नमस्कार आदाब, मैं हूँ सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,279 हो गई है। वहीं कोरोना के चलते मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर 332 हो गया है। गुजरात में कोरोना संक्रमण के नए 22 मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है। इनमें 26 लोगों की मौत हुई है और 47 मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 9,240 हो चुकी है। इनमें से 7,987 एक्टिव केस है और 856 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। कोरोना के चलते इस बीमारी से अब तक 308 लोगों की मौत भी हो चुकी। आपको बता दें कि देश के जिन राज्यों में कोरोना के चलते हालात चिंताजनक बनी है, उनमें सबसे टॉप पर महाराष्ट्र है, जहां अब तक कोरोना के कुल 2000 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 139 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया हर स्तर पर सख्ती की, लेकिन जिम्मेदारों से लेकर आम लोगों की लापरवाही भारी पड़ रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के 8 लोगों की लापरवाही से 1917 लोग संक्रमित हो गए हैं। लापरवाही का नतीजा है कि संक्रमण भयानक रूप ले चुका है और विदेश से आए लोग भी छिपते रहे, लापरवाही से घूमते रहे। यही कारण है कि कोरोना का खतरा बढ़ते जा रहा है। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।